नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। अमरोहा में सीएल गुप्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। संदिग्ध परिस्थितियों में ये आग लगी। आग लगने से इलाके में दहशत फैल गई। थाना डिडोली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ में भाजपा बूथ अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लाठी डंडे से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई और ये भी बताया जा रहा है कि गन्ना तोड़ने के विवाद में हत्या हुई है। रात में भी विवाद हुआ था। सूचना पर प्रभारी एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कोहडोर थाने के पीठापुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल मामले को शांत कराया गया है। अंबेडकर नगर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में स्वाट टीम प्रभारी और उनके सिपाहियों पर देर रात हत्या और अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल देर रात मृतक युवक के भाई की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। दिन में ही तहरीर दी गई थी लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था, जिससे नाराज परिजनों ने रात पोस्टमार्टम होने के बाद भी शव लेने से इनकार कर दिया और कहा जब तक पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती तब तक हम शव लेकर यहाँ से नहीं जाएंगे। गाजीपुर में सिंह अस्पताल में विवाहिता के साथ हुई छेड़खानी के मामले पर अंधू बाईपास को गांव के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। परिवार और गांव के लोग महिला के साथ हुए मामले पर आक्रोशित नजर आए। 24 मार्च की रात में ये महिला अस्पताल में भर्ती हुई थी। महिला के अनुसार उसके साथ आईसीयू में छेड़खानी हुई थी। सिंह अस्पताल में पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। सीओ सिटी ने कहा है तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बीती देर रात बुलंदशहर के नगर कोतवाली क्षेत्र के इंटा रोड इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली थी, जिसके बाद बुलंदशहर के पत्रकार और उसके साथ सहयोगी मौके पर कवरेज करने के लिए पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। मीडिया सहयोगी ने कवरेज करने की कोशिश की लेकिन मौके पर मौजूदा मृतक के परिजनों ने पत्रकार का विरोध करते हुए उसके साथ कवरेज करने आए और लोगों पर हमला कर दिया और उसका मोबाइल छीन कर तोड़ दिया। कुंभपुर वैष्णव बैठक में स्नान करने पहुंचे आरएसएस के जिला प्रचारक मनोज के साथ अभद्रता हुई है। पुलिस द्वारा अपशब्द किए जाने पर दोनों पक्षों में जमकर मारपिटाई हुई। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा, साथ ही आरएसएस के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष मधु शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस और आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा समझौते के दौरान भी मारपिटाई की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और एक वीडियो भी जमकर वायरल हुआ है। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध की मौत हो गई। झिझक रेलवे स्टेशन पर वृद्ध का शव मिला। परिजनों ने वृद्ध की हत्या की आशंका जताई है और शव फेंके जाने की भी आशंका जताई है। गांव के लोगों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों से नोकझोंक हुई है, जिसके बाद जाम लगा दिया गया। जाम खुलवाने में पुलिस के पसीने छूट गए। बाराबंकी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा को नमन करने के लिए पहुंचे और यहां पर मूर्ति का अनावरण भी किया गया, जिसके बाद जनसभा की गई और जनसभा के दौरान हजारों की संख्या में यहां पर कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाराबंकी के परहरी स्थित मोहनलाल वर्मा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये कार्यक्रम हुआ। सिंगरौली जिले के बेडन कोतवाली थाना क्षेत्र में चौकी पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजा बरामद करने में सफलता हासिल की है। सासन चौकी पुलिस ने काम गांव में गांजे के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हरदोई के पिहानी थाना क्षेत्र इलाके में गायब नाबालिका का 24 दिन बाद भी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। वहीं पीड़िता की मां बाप ने पुलिस पर दबाव में तहरीर देकर मुकदमा लिखने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित माता पिता ने मोहल्ले के ही कुछ युवकों पर अपहरण का आरोप लगाया। हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए हुक्का बार लगातार चलाए जा रहे हैं। इस हुक्का बार में नाबालिग युवकों को जहर परोसा जा रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद भी बर्रा पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। शासन द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत दिनांक 27 मार्च को विकास भवन परिसर माती में मुख्य विकास अधिकारी महोदय समय पांडे के निर्देश में विकासखंड मैथा एवं मलासा के समूह की महिलाओं द्वारा हर्बल गुलाल, अबिर, चिप्स, पापड़, गुजिया, हस्त पैकिंग सामग्री जैसे बेसन आटा, सत्तू, दालें, मसाले और दलिया इत्यादि के स्टॉल लगाए गए, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी महोदय के करकमलों द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है। 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों का कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक सराहनीय अभियान शुरू किया। कोरोना संक्रमण से बचाव और कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए भाजपा ने शहरवासियों को जागरूक करने के लिए मुहिम शुरू की। वृंदावन में आरएसएस कार्यकर्ता के साथ अभद्रता के खिलाफ भाजपा के थाना घेराव के बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज में भाजपा के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। घायल कार्यकर्ताओं को वृंदावन के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा के जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कराने की लगातार मांग की जा रही है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।